ऑडियंस का ओपिनियन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कैन डू योर बेस्ट। इतने बड़े बड़े लोग, गोविंदा सर, कादर खान साहब और सदाशिव अमरपुरकर साहब, मतलब हम कोशिश भी करेंगे उस कास्ट को आउटडू करने की या उस कास्ट से कंपटीशन करने की, तो हम हार जाएंगे बिकॉज उन्होंने कर लिया अपना काम जो करना था। तो ये ना बहुत अनफेयर कंपैरिजन होगा। 2020 में हम इस चीज को सेट कर रहे हैं, तो इट शुड नॉट कम एज अ प्रेशर, इट शुड कम एज एन अपॉर्चुनिटी। देयर विल बी ओनली वन गोविंदा, but there will also be only one Varun Dhawan. पता नहीं क्यों हमारे देश में लोगों को लगता है कि बदलापुर, सुई धागा और अक्टूबर ही ऐसी फिल्में हैं जिसमें अच्छी एक्टिंग, एक्टिंग एक्टिंग है यार, डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट कैसी है, सीन कैसा है, डायरेक्टर कैसे हैं। पहले तो आलिया भट्ट ने मेरा मिथ तोड़ दिया, बड़ी सिंपल सी है वो तो, और उसके बाद अब सारा के साथ काम करके मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि नवाब की बेटी तो बिल्कुल भी नहीं लगी मुझे। मेरे जो टीचर हैं नसीर सर, उन्होंने एक्टिंग क्लास में पहले दिन हमसे सबसे एक सवाल पूछा था, बताओ एक्टिंग का मतलब क्या होता है। टू एक्ट मींस टू डू, दैट्स इट। जब से दिल बेचारा आई और मुझे वो फोन कॉल आया, मैं लोगों को इनकरेज करते रहता हूँ कि बैंक चोर भी देख लो। किसी ने सिर्फ दिल बेचारा देखी है, हम्प्टी बद्री बैंक चोर कुछ नहीं देखा, और उनको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। मुझे आई रियली वॉन्टेड टू डू अ काइंड ऑफ फिल्म जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल उठा के फेंक देता है, एक आदमी एक पंच मारता है, पांच छह लोग उड़ जाते हैं। You've done Avengers का वॉइस ओवर मैन। हाँ, वो अमेरिका में हो तो मतलब जायज, हम करें तो मतलब, ये जो पॉश इलाकों के जो लोग है ना, वो नो ब्रो आई डोंट वॉच दीज फिल्म्स इन हिंदी मैन, दे जस्ट सिट अप यार। सो एक्टर अपनी हर फिल्म को बोल देता है इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया, मैं सीखता जा रहा हूँ एक्टरों के पैंतरे। हाई, आई एम साहिल वैद, यू आर वॉचिंग बॉलीवुड OTT ऑन BCR प्ले। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड OTT, मैं हूँ आरजे विकी। दिस शो इज ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून गल्फ, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पतंजलि प्रोडक्ट्स इन UAE. And supported by Toys We Love, buy and sell pre-loved toys. So, आज के हमारे सेलिब्रिटी है Ant-Man, Narcos, The Hangover, Avengers जैसी बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में इन्होंने हिंदी डबिंग की है। बद्री में सोमदेव, दिल बेचारा में जगदीश पांडे और हम्प्टी में पोपलू का किरदार इन्होंने निभाया है। और अब क्रिसमस की सबसे बड़ी Amazon Prime रिलीज कूली नंबर 1 में ये बने हैं दीपक, वरुण धवन के दोस्त। दीपक, हे दीपक, वेलकम टू बॉलीवुड OTT साहिर। थैंक यू सो मच विकी फॉर अ वार्म वेलकम। आपके वेलकम के लिए तो मैंने गाना प्रिपेयर किया है। मैं तो रस्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, बट एक्चुअली कोविड की वजह से हम रस्ते पे जा ही नहीं सकते, तो आप भेलपुरी कहाँ खा रहे? अब भेलपुरी भी अलाउड नहीं है यार, डाइट चल रहा है, मेरे को भी थोड़ा बॉडी वॉडी बनानी है, थोड़ा वरुण के साथ खड़ा हुआ अच्छा लगना चाहिए ना मैं। 25 साल बाद कूली नंबर 1, टेल अस अबाउट द फिल्म मैन। 25 साल पहले जब ये फिल्म आई थी तो मैं तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में रहता था। अच्छा। 1995 की बात है ये, और मैं किस क्लास में था, मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में रहा हूँ। वाओ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार 2020 में पिक्चर दोबारा बनेगी, मैं उस पिक्चर में एक्टिंग कर रहा हूँ। मेरे लिए बड़ी बात है ये, एक्साइटमेंट छुपाने वाली एक्साइटमेंट नहीं है, ये एक्साइटमेंट बाहर निकाल के फेंक के मारने वाली एक्साइटमेंट है। Absolutely. आपने जो टाइमलाइन डिस्क्राइब किया, इट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। क्या ट्रिविया दिया आपने, 3-4 साल की उम्र में यू थे, आई मीन कूली नंबर 1 जब रिलीज हुई थी। गोविंदा करिश्मा मस्ट बी लाइक अ सुपरस्टार, यू नो, अ फिगर फॉर यू एट दैट टाइम। टेल अस अबाउट द एक्सपीरियंस वर्किंग विद वरुण एंड सारा। वरुण के साथ काम करने का एक्सपीरियंस तो सब लोग जानते ही हैं मेरा, मैं हम्प्टी में भी था उसके साथ, बद्री में भी था। एक्सपीरियंस इवॉल्व करता जा रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। वरुण के साथ काम करना और आसान होता जा रहा है, वरुण के साथ काम करना और एक्साइटिंग होता जा रहा है, वरुण बेहतर एक्टर होता जा रहा है विद एवरी फिल्म। पता नहीं क्यों हमारे देश में लोगों को लगता है कि बदलापुर, सुई धागा और अक्टूबर ही ऐसी फिल्में हैं जो जिसमें अच्छी एक्टिंग, एक्टिंग एक्टिंग है यार, डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट कैसी है, सीन कैसा है, डायरेक्टर कैसे हैं। एन एक्टर हु इज सक्सेसफुली एबल टू डिलीवर एवरीथिंग इज अ गुड एक्टर, एंड इन माय आईज वरुण इज वेरी गुड एट व्हाट ही डज। तो वो और बेहतर होता जा रहा है,
और सारा के साथ काम करके तो मतलब मुझे वो एक दिमाग में एक वो हीरोइन वाली बात होती ना, जब मैं एक्टर नहीं था और हीरोइंस के बारे में सोचता था कि हीरोइनें ऐसी होती हैं, हीरोइन हाँ होती हैं। पहले तो आलिया भट्ट ने मेरा मिथ तोड़ दिया, बड़ी सिंपल सी है वो तो। और उसके बाद अब सारा के साथ काम करके मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बड़े बड़े घरों से हैं ये। नवाब की बेटी तो बिल्कुल भी नहीं लगी मुझे, वो तो बिल्कुल मेरे जैसी है। इनफैक्ट यू नो वी गेट टू नो कि आपने बहुत ही एक्सटेंसिव लाइफ जो अपनी करियर जो है थिएटर में गुजारी है एंड यू यू गॉट दीज रॉ ट्रेनिंग्स ऑफ एक्टिंग एंड यू नो एंड नाउ यू कंपेयर इट विद प्रोबेबली द स्टार किड्स हाउ डज इट गो फॉर यू आई मीन यू नो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड यार अब मैं मतलब पहले ना जब मैं थिएटर करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वो डार्क वाली फिल्में करने को मिलेंगी, एक टाइप्स। मुझे लगा गैंग्स ऑफ डॉक्टर की मौत डॉक्टर, टाइप्स एक रुका हुआ फैसला, जाने भी दो यारों। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आज भी वो वाली फिल्में वाकई करना चाहता हूँ। मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं अच्छी एक्टिंग एज पर द पीपल भी कर सकता हूँ। बट करेंगे यार, आई मीन इवेंचुअली। मैं टू माय सरप्राइज मेरा करियर किक ऑफ किया एक कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म से। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म से मुझे इतना नाम मिल जाएगा। और फिल्म डायनामिक्स तो मैं समझता ही नहीं था। मैं तो मुझे तो सिर्फ एक्टिंग समझ में आती थी, मुझे स्क्रिप्ट दे दो, मुझे सीन समझा दो, मैं एक्टिंग कर दूंगा टाइप एक्टर था। और जब हम्प्टी आई तो फिर थोड़ा सा, अब उसके जब इतनी सक्सेस मिली, इतना प्यार मिला, उसके बाद जब बद्री आई आई जब हम बद्री की शूटिंग कर रहे थे तो मैं बड़ा घबराया हुआ था। मैंने कहा यार शशांक, वो पोपलू तो लोगों को बड़ा पसंद आ गया, पता नहीं है सोमदेव कैसे पसंद आएगा, मैं तो बड़ा प्रेशर फील कर रहा हूँ। तो शशांक ने बोला कि यार ये बिल्कुल डिफरेंट फिल्म है, इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर, बिल्कुल ये सोच के काम मत कर कि तुझे पोपलू से बेहतर करना। जस्ट बी ट्रू टू दिस स्क्रिप्ट, जस्ट ट्रू बी ट्रू टू दिस सिचुएशन। That's what helped me do Coolie Number One also. जब लोग बोल रहे थे कि अरे इतने बड़े बड़े लोग, गोविंदा सर, कादर खान साहब और सदाशिव अमरपुरकर साहब, तो शशांक की बात मुझे याद आई कि अलग स्क्रिप्ट है, सब लोग अलग हैं। 2020 में हम इस चीज को सेट कर रहे हैं, तो इट शुड नॉट कम एज अ प्रेशर, इट शुड कम एज एन अपॉर्चुनिटी कि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ खड़े होने का भी मौका मिल रहा है, एक्टिंग भी कर रहे हैं भाई, बड़ी करेक्ट बात है। एब्सोल्युटली जैसे आपने कहा कि यू नो चाहे वो कोई भी फिल्म हो यू नो एज एन एक्टर यू हैव टू एक्ट इन अ फिल्म एंड दैट्स वेयर यू इवॉल्व एंड गिव योर बेस्ट दैट वाज अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन इनफैक्ट मेरे जो टीचर हैं नसीर सर, उन्होंने एक्टिंग क्लास में पहले दिन हम सब सबसे एक सवाल पूछा था, बताओ एक्टिंग का मतलब क्या होता है। हम कोई बोल रहा है सर एक्टिंग का मतलब होता है कैरेक्टर में घुस जाना, सर बिकमिंग द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, सर डायलॉग को अच्छे से बोलना, सर लेस। बिल्कुल नहीं, डिक्शनरी खोलो और देखो एक वर्ड है एक्ट, उसका क्या मतलब। एंड टू आर सरप्राइज उसके आगे लिखा हुआ था टू एक्ट मींस टू डू, दैट्स इट। डू व्हाट, व्हाट एवर द स्क्रिप्ट सेज। डू इट हाउ, हाउ एवर द डायरेक्टर सेज। खत्म हो गई बात, यही है सबसे बड़ा मेथड भाई। माइंड ब्लोइंग है आई थिंक दिस इज हाउ यू सी एवरीथिंग यू डू। नाउ कूली नंबर वन इज ए काइंड ऑफ फिल्म, दीपक माई कैरेक्टर इज ए काइंड ऑफ कैरेक्टर, डेविड सर इज ए काइंड ऑफ अ डायरेक्टर, एंड ही'ल आस्क यू टू डू स्टफ एंड यू शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग द वे ही वॉन्ट्स यू टू डू इट। इफ यू आर एबल टू पुल इट ऑफ, यू आर अ गुड एक्टर। When are you starting your institute here? नहीं, आई ऑलरेडी गो टेक सम गेस्ट लेक्चर्स इन माई ओन फिल्म स्कूल वेर आई स्टडीड। आई ट्राई टू गिव द करंट स्टूडेंट्स व्हाट एवर आई नो। फिर जब मुझे लगने लगता है कि अब मुझे भी और सीखने की जरूरत है, मैं छुट्टी ले लेता हूँ। Superb, superb. In fact, you know, Coolie Number One, जो 95 में आई थी, हाँ there will be a lot of references. There will be like, you know, कि गोविंदा का रोल वरुण धवन कर रहा है, and then हरीश कुमार का रोल साहिल कर रहा है. So
You happen to watch, I'm sure, Kohli number one, jo 95 wali, bahut baar. So, how do you compare that, you know, with your I don't. I don't. मैं मतलब हम कोशिश भी करेंगे उस कास्ट को आउटडो करने की या उस कास्ट से कंपटीशन करने की तो हम हार जाएंगे बिकॉज और वो अनफॉर्चुनेटली उस कास्ट को मौका नहीं मिलेगा हमारे को आउटडो करने का या हमारे साथ कंपटीशन करने का क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुके हैं मतलब उन्होंने कर लिया अपना काम जो करना था तो ये ना बहुत अनफेयर कंपैरिजन होगा बट यू नो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हु हैव वॉच्ड 95 वाली कुली नंबर 1 will have some kind of comparisons and you will not be able to stop jitna bhi aap karo I don't know I mean this is for the audience to decide yaar I mean kya hota hai ki isse pehle bhi jab ab maine dil bechara ki wo bhi ek remake the fault in our stars ek hollywood film thi uski remake thi logo ne use bhi hollywood film ke sath compare kiya kuch logo ne bola isko indianize bahut beautifully kiya gaya hai kuch logo ne bola ki nahi hum to remake dekhte hi nahi hai aisa hai ki main kai saal se dubbing kar raha hu I'm a voice actor. मैं मार्वल की फिल्म्स में एंटमैन का कैरेक्टर करता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बैंड्रा और ये जो पॉश इलाकों के जो लोग हैं ना वो नो ब्रो आई डोंट वॉच दीज फिल्म्स इन हिंदी मैन दे जस्ट मेस इट अप यार सो ठीक है अब उनको ऐसा लगता है मैं दिल बेचारे की शूटिंग करने जमशेदपुर गया था और मुझे एंटमैन की हिंदी में खुद को टिकट नहीं मिली थी 3 दिन तब मुझे एहसास हुआ था कि हमारी ऑडियंस ही अलग है तो ऐसे लोग हमें मिलेंगे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार वो उसकी बात अलग थी उसकी बात तो अलग थी वो अलग पिक्चर है कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं यार मुझे तो ये 2020 वाली ज्यादा अच्छी है तो ऑडियंस का ओपिनियन आप कंट्रोल नहीं कर सकते You can do your best, and I think we've done our best. उससे ज़्यादा आदमी क्या बोल ही सकता है? And there is no doubt, you know, in terms of acting, because Humpty Sharma या Badrinath and then Varun के साथ third film, and then you mentioned Dil Bechara. I mean, emotional value of that film is pretty huge, and you know, how what did? मुझे तो लोगों का फोन आया उन्होंने बोला कि यार हमको तो पता ही नहीं था कि तू रुला भी सकता है. मैंने कहा, एक्टर हूँ यार. जब से दिल बेचारा आई और मुझे वो फोन कॉल आया मैं लोगों को इनकरेज करते रहता हूँ कि बैंक चोर भी देख लो मेन विलन हो वो देख लोगे तो तुमको यकीन नहीं होगा मैं उसमें देखोगे तो डर जाओगे तुम तो बड़ा ही मैं बता रहा हूँ इट्स अ पर्सपेक्टिव का गेम किसी ने हम्प्टी पहले देखी और बद्री बाद में देखी और उसके दिमाग में मैं एक तरह का एक्टर बन गया किसी ने सिर्फ बैंक चोर देखी है और हम्प्टी बद्री नहीं देखी है और उसके दिमाग में मैं एक अलग ही किस्म का एक्टर हूं किसी ने सिर्फ दिल बेचारा देखी है हम्प्टी बद्री बैंक चोर कुछ नहीं देखा और उनको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं अब ये सारा ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि किसने क्या देखा है इसीलिए एज एन एक्टर आई डू टेक पीपल्स ओपिनियन वेरी सीरियसली लेकिन मुझे पता है कि ये ओपिनियन एक पर्सपेक्टिव से ड्रिवन है You can't help but be helpless when it comes to people saying कि अरे यार आप तो बड़े कॉमेडी वाले एक्टर हो फिर एक और फोन कॉल आता है कहता है बहुत एकदम nuanced एक्टर हो आप चार लोग चार अलग बातें बोलते तो इसका मतलब यही होता है कि एक एक्टर an actor should be able to pull off any kind of role in any kind of film in any kind of director बात यही खत्म हो गई अब ये जो कंपैरिजन वाली बात है इसका जवाब इसी में छुपा हुआ है आपको हर तरह के लोग मिलेंगे करेक्ट करेक्ट देयर विल बी ओनली वन गोविंदा बट देयर विल आल्सो बी ओनली वन वरुण धवन करेक्ट बात ही खत्म हो गई अरे कमाल है यार क्या मतलब पंचलाइन पे पंचलाइन दे रहे हो यार भाई आप तो मतलब मतलब टॉप 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 यार इट्स लाइक I don't know what the next question is going to be like. Okay, I'll let you think. आपके आगे की फिल्में अभी कौन सी आने वाली हैं? मैं अभी मैं इस वक्त अभी एक होटल के कमरे में हूँ मैं यहाँ लखनऊ में सत्यमेव जयते पार्ट टू की शूटिंग करने आया हूँ बहुत ही अलग किस्म की पिक्चर है मैंने ऐसी पिक्चर कभी की नहीं मुझे आई रियली वॉन्टेड टू डू अ काइंड ऑफ फिल्म जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल उठा के फेंक देता है एक आदमी
एक पंच मारता है, पांच छह लोग उड़ जाते हैं। You've done Avengers का वॉइस ओवर मैन। हाँ, मतलब अमेरिका में हो तो मतलब जायज, हम करें तो मतलब ठीक है। मैं इस फिल्म में बहुत कुछ एक्शन वैक्शन नहीं कर रहा, मैंने लाइफ में कुंग फू बिल्कुल बेकार सीखा, कोई इस्तेमाल बट बड़ा मजा आ रहा है। आई एम वर्किंग विद जॉन इब्राहिम इन दिस फिल्म, मिलाप ज़वेरी साहब इज डायरेक्टिंग एंड इट्स अ फन सेट। अगेन इट्स नॉट आई वुडंट से इट वुड बी माय बेस्ट परफॉर्मेंस, आई एम जस्ट हियर हैविंग फन। इतना जरूर है कि मैं जो भी कुछ करूंगा देख के मजा जरूर आएगा, आई गारंटी दैट। उसके बाद आई एम डूइंग दिस वेरी, क्या बोला था मैंने, न्यूआंस्ड फिल्म विद मिस्टर मनोज बाजपेयी, इट्स कॉल्ड साइलेंस। उसमें यू विल सी मिस्टर मनोज बाजपेयी, मी, प्राची देसाई एंड वकार शेख ट्राइंग टू सॉल्व अ मर्डर केस। दैट्स क्वाइट अ डिफरेंट फिल्म। वैसे तो एक्टर अपनी हर फिल्म को बोल देता है इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सत्यमेव जयते, बट साइलेंस इज द न्यूआंस्ड काइंड। एंड देन यू विल सी मी विद पुलकित सम्राट इन दिस फिल्म कॉल्ड सुस्वागतम खुशामदीद, विच आई विल बी, मैं पहली बार है कि मैं तीन फिल्में एक साथ शूट कर रहा हूँ, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, मैं सीखता जा रहा हूँ एक्टरों के पैंतरे। सिंस कूली नंबर 1 वाज सपोज्ड टू रिलीज इन सिनेमास, वो हुआ नहीं कोविड के वजह से, और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है, सो ओटीटी हैज बिकम रियली रियली ह्यूज। सो गिवन अ चॉइस, वुड यू स्टिल गो फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और स्टिल वॉच अ फिल्म इन सिनेमा? दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल दैट चॉइस इज नॉट माइन, सेकंड ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ चॉइस। आई मीन पिक्चर अगर सिनेमास में रिलीज होती तो भी मुझे उतना ही मजा आता, ओटीटी में रिलीज हो रही है मुझे बराबर मजा आ रहा है। क्यों, मैं उसका भी रीजन बता देता हूँ, दोनों के अपने फायदे हैं। एक सिनेमा कल्चर है, हम तैयार होके जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, सब अनजान लोग एक साथ एक जोक पे हंसते हैं, देयर इज दिस सेंस ऑफ कम्युनिटी इन अ थिएटर, वो इररिप्लेसेबल है, वो हम घर पे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू अमेज़न प्राइम वीडियो। एक फायदा ये है अमेज़न प्राइम वीडियो पे फिल्म देखने का, आप पॉज कर सकते हो, दूध उबालने के लिए रखा है आप पॉज कर दो, गैस बंद कर दो, वापस आकर के फिल्म वहीं से शुरू हो जाएगी। आप कहीं किसी और, आप बिजली के बिल के बारे में सोच रहे हैं, इतना बिजली का बिल ज्यादा कैसे आ गया, तो आपसे पंच मिस हो गया, तो आप 10 सेकंड पीछे जाके वो पंच देख सकते हो। थिएटर में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि थिएटर में अगर आपको वो पंच समझ नहीं आया तो दूसरी टिकट खरीद के दोबारा पिक्चर देखनी पड़ेगी, और वहीं दोबारा पूरी देख के उस पंच का इंतजार करना पड़ेगा, अच्छा ये बोला था, अच्छा अच्छा। So there are advantages both these. At the end of the day, both of these are exhibition platforms. Amazon Prime से ये है कि फिल्म दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगी, लोग जो दोस्त अमरीका कैनेडा अलग अलग देशों में बैठे हैं उनको देखने को मिल जाएगा। इंटरनेट तो बड़ा सेक्यूलर है, कहीं भी खोल लो उतना ही चलेगा और वही सब दिखेगा उसमें। सुहाना इश्क है दीवाना, साहिल के और क्या क्या है कॉन्टेंट है आपको दिखाना। बिट्टू बॉस और नेटफ्लिक्स, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया और नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम, बद्रीनाथ की दुल्हनिया ऑन Amazon Prime, बैंक चोर ऑन Amazon Prime, मंटो ऑन नेटफ्लिक्स, दिल बेचारा ऑन डिज्नी हॉटस्टार। साहिल वैद ने काफी हॉलीवुड फिल्म्स और सीरीज के लिए हिंदी डबिंग की है, एंड हियर इज द लिस्ट। नार्कोस में फॉर पेनिया, एंट मैन में फॉर पॉल रड, द हैंगओवर पार्ट 1, 2 एंड 3 में ही हैज डब फॉर ब्रैडली कूपर, पेन एंड गेन में फॉर मार्क वॉलबर्ग, जुमानजी द नेक्स्ट लेवल में फॉर जैक ब्लैक, एंग्री बर्ड्स 1 एंड 2 में फॉर चक। 2020 को अलविदा कहते हुए देखते हैं इस साल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कौन से सीरीज वर टॉप रेटेड। नंबर 10 पे आर्या विद अ स्कोर ऑफ 7.9 ऑन IMDb। नंबर 9 पे कुणाल खेमू स्टारर अभय विद अ रेटिंग ऑफ 8 out of 10 ऑन IMDb। नंबर 8 पे हाई स्ट्रीमिंग ऑन MX प्लेयर विद अ रेटिंग ऑफ 8.2 ऑन IMDb। नंबर 7 पे अवार्ड विनिंग जयदीप अलावात स्टारर पाताल लोक। नंबर 6 पे अर्शद वारसी स्टारर असुर, स्ट्रीमिंग ऑन वूट विद अ रेटिंग ऑफ 8.4 ऑन IMDb।
नंबर 5 पे मिर्जापुर, नंबर 4 पे बंदिश बैंडिट्स विद अ स्कोर ऑफ 8.7, नंबर 3 पे के मेन एंड स्टारर स्पेशल ऑप्स स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी हॉटस्टार विद अ रेटिंग ऑफ 8.5, नंबर 2 पे पंचायत स्ट्रीमिंग ऑन अमेजॉन प्राइम विद अ स्कोर ऑफ 8.7 एंड नंबर 1 वेब सीरीज ऑफ 2020 विद अ स्कोर ऑफ 9.4 स्ट्रीमिंग ऑन सोनी लिव इज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी स्टारिंग प्रतीक गांधी डायरेक्टेड बाय हंसल मेहता. 2020 वॉज डेफिनेटली अ टफ ईयर फॉर बॉलीवुड. नॉट ओनली मेनी फिल्म्स डिडंट मेक इट टू द थिएटर्स बट ऑल्सो बिकॉज बॉलीवुड लॉस्ट सम लेजेंडरी पर्सनैलिटीज. ऋषि कपूर साहब, सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, वाजिद खान, बासु चैटर्जी, नवाब बानो पॉपुलरली नोन एज निम्मी, एसपी बालसुब्रमण्यम साहब, सरोज खान एंड जगदीप साहब. लेट्स होप 2021 गिव्स अस मेनी रीजंस टू स्माइल. फ्रॉम वीसीआर प्ले फैमिली विशिंग यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर. दैट्स ऑल फॉर नाउ. डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू वीसीआर प्ले ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. बॉलीवुड ओटीटी इज ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून गल्फ, exclusive distributors of Patanjali products in UAE and supported by toyswelove.com. Buy and sell pre-loved toys. Take care and stay healthy. Stay connected for all the entertainment only on Bollywood OTT Season 2 on VCR.